7 सितंबर से शुरू होने वाली गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजार में मूर्तियां दुकानों पर सजने लगी है। श्रद्धालु गणेश प्रतिमाएं खरीदने में व्यस्त हैं। साल के 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार 7 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। बाजार में मिट्टी पीओपी आदि की मूर्तियां दुकानों पर सजने लगी है। मूर्तिकारों ने गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मूर्तियों पर रंग रोगन से लेकर आकर्षक परिधान छिड़ाए जा रहे हैं। वहीं बाजार में भी दुकानों पर मूर्तियां सज गई हैं। शहर के चितारोली महल परिसर में गणेश प्रतिमा की दुकानें लग गई हैं। महाराष्ट्र में 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की तैयारियां जो है ये अंतिम चरण में है। हम देख रहे हैं कि चितारोली जो नागपुर का सुप्रसिद्ध मार्केट है, यहाँ से लोग जो है गणपतियों की मूर्तियां जो है अपने घर लेकर जाते हैं, उसको अंतिम स्वरूप देने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है मूर्ति को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है, उसे रंगाया जा रहा है और कुछ ही दिनों में जो है गणेश उत्सव का त्यौहार आने वाला है और उसके लिए पूरे बाजार में गणपति गणेश जी की मूर्तियां जो है वो बनकर तैयार है। हमारे साथ यहाँ पे कारीगर हैं, उनसे हम जानेंगे जो मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियों को वो अंतिम चरण में उनका काम चल रहा है। क्या बताओगे इस बार कौन सा ट्रेंड चल रहा है मूर्तियों का गणेश जी? गणपति में गणेश जी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें नावेल्टी यानी कुछ दिन मिट्टी की मूर्ति को ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। जो पीओपी का मूर्ति था उसमें उसकी लोगों की भावना के अंदर अभी मिट्टी को ज़्यादा डिमांड आ रहा है उससे, और उसकी जागरूकता जो होना था मिट्टी उसकी जागरूकता का परिणाम बढ़ रहा है, इसलिए मिट्टी की डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा। मिट्टी की मूर्ति करके ग्राहक हमसे जानते हैं और मिट्टी की मूर्ति है। 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेश उत्सव के लिए हम देख रहे हैं कि लोग जो है अब इको फ्रेंडली गणपति की मूर्ति की डिमांड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों में जागृति हो गई, जन जागृति हो गई है, मिट्टी की मूर्तियों की मांग यहाँ हो रही है और हम देख रहे हैं कि कई तरह की मूर्तियाँ यहाँ बनकर तैयार है। और भी मूर्तिकार हमारे साथ हैं, उनसे हम जानते हैं। आप लेडीज हो, आप मूर्तियों को जो है अंतिम स्वरूप दे रही हो, क्या बताओगे इस बार किस कौन सी मूर्तियों की डिमांड है, कब से आप ये काम कर रहे हो? मैं 30 साल हो गए इस मूर्तियों के काम कर रही हूँ और ज़्यादा करके दगड़ों का डिमांड ज़्यादा है। जैसे कि श्री कृष्ण की स्वरूप में मूर्ति होती है, बाल स्वरूप होता है, तो इस बार अलग अलग तरह की मूर्तियाँ दिख रही है, तो कौन सी इसको डिमांड है, क्या ट्रेंड चल रहा है मूर्तियों में? ज़्यादा करके शिव जी के रूप में ज़्यादा चल रही है। हाँ, और इस बार जो है जो मार्केट कैसा है, मतलब ग्राहकों की क्या मतलब कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है, इस बात की कोई ये नहीं है, लेकिन मूर्तियों की कीमत भी वैसे दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाने का काम कर रहा है पूरा परिवार गणेश जी की मूर्तियाँ बनाने में लगा है। आप कितने सालों में सर को साथ दे रहे हो मूर्तियाँ बनाने में, पूरा परिवार आपका यहाँ दिख रहा है? हम लोग 30 साल हो गए ये मूर्तियाँ बना रहे हैं और मेरा पूरा परिवार ये काम करता है। लड़कियाँ है दो, वो भी ये काम करती थी, लड़का है इंजीनियर है, फिर भी ये काम में मदद करता है। आप महिला हो, घर के काम काज कर फिर मूर्तियां बनाना, अभी जो सीजन है गणेश जी के गणेश उत्सव आने वाला है, तो किस तरह से ये सब बन पाता है? कर सकते हैं हम लोग, घर का काम करके भी ये काम कर सकते हैं। गणेश उत्सव का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से 7 सितंबर को मनाया जाएगा। इसी बीच मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव सबसे अधिक भव्य तरीके से मनाया जाता है। शायद यही कारण है कि मध्य भारत का सबसे बड़ा मूर्तिकारों का बाजार नागपुर में स्थित है। नागपुर के चितारोली में मूर्तिकार अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाने में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।